ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक असाइनमेंट आपको मिली थी और शीट का नंबर है A98। यहाँ पे लिखा हुआ है SHM की NCERT की शीट थी, है तो ठीक है, नहीं तो यहीं से एक बार देखते हैं। इस शीट में हमने कुछ शुरू के क्वेश्चंस किए थे NCERT के, तो आप चेक कर सकते हो ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। ठीक, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, ये दो तीन क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग के ये सारे कर लिए थे राइट, यहाँ तक ये भी हमने किया था। मैंने कहा था NCERT में हमेशा ये क्वेश्चन आता है और कॉम्पिटिशन में भी आता है, ये भी हमने कर लिया था राइट। ये भी क्वेश्चन कर लिया था, ये भी डिस्कस्ड है, यहाँ से शुरू करना है, ये नहीं किया था। ठीक, कुछ क्वेश्चन मैंने रह गए, इसलिए रह गए थे बिकॉज बीच में ना थ्योरी आ गई थी, वो थ्योरी हम करने लग गए तो ये शीट बीच में रह गई थी, तो पहले इसको एक बार कंप्लीट कर लें फिर एक एक करके सारी शीट्स को देखते हैं। क्वेश्चन है, अ स्प्रिंग 60 सेंटीमीटर लॉन्ग इज स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर। एक स्प्रिंग को अगर 2 सेंटीमीटर खींचेंगे तो इसकी एक्सपेंशन मानी जाएगी। व्हेन सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 20 ग्राम फोर्स या ग्राम वेट, केजी फोर्स या ग्राम वेट एक ही बात होता है, ये फोर्स के यूनिट है, मतलब ग्राम को अगर आप 980 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर टाइम्स में आ जाएगा, इसका मतलब ये होता है। आपको याद होगा केजी फोर्स भी क्या, ग्राम केजीएफ या ग्राम एफ ऐसे यूज करते थे, तो ग्राम वेट का मतलब ये होता है 980 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट डाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो व्हाट वुड बी द चेंज इन द लेंथ व्हेन फोर्स ऑफ 500 ग्राम फोर्स इज अप्लाइड। तो सबसे पहले हमें ये नहीं मालूम इस स्प्रिंग के क्वेश्चन में कि स्प्रिंग कॉन्स्टेंट क्या है, तो मुझे ये मालूम है कि जब आपने इसको खींचा बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ कितना 20 ग्राम वेट, ग्राम वेट का मतलब फोर्स कितना अप्लाई किया, 20 × 980 मैंने बताया, तो 20 × 980 आपने वेट अप्लाई किया या फोर्स अप्लाई किया एक ही बात है, इज इक्वल टू KX। KX का मतलब स्प्रिंग में क्या डेवलप होगी, रिस्टोरिंग फोर्स, तो MG इज इक्वल टू KX यानी कि वेट इज इक्वल टू KX, तो यहां से K इज इक्वल टू वेट डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ कितनी गिवन है इस क्वेश्चन में, 2 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर CGS चल रहा है, ये भी CGS चल रहा है, तो आंसर K CGS में आ जाएगा 9800। पहला स्टेप समझ में आ गया। अब दूसरा स्टेप है, जब स्प्रिंग को आपने 500 ग्राम फोर्स से खींचा तो के तो आपको मालूम पड़ ही चुका है स्प्रिंग का, तो आपको बताना है चेंज इन लेंथ क्या है। सेम फॉर्मूला है चेंज इन लेंथ का कि MG इज इक्वल टू जो भी आप वेट लगाएंगे इज इक्वल टू के इन टू चेंज इन लेंथ, रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाएगी स्प्रिंग में, KX या K × ΔL, इस बार 500 × 980, क्योंकि जो फोर्स एक्ट करेगी वो 200 × 980 की बजाय वो कह रहे हैं 500 ग्राम फोर्स है, 500 × 980 डिवाइडेड बाय K कितने 9800। सॉल्व करेंगे तो इंक्रीज नई लेंथ क्या जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि F इज इक्वल टू KX के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। नेक्स्ट है इसके अंदर कि फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू एम्पलीट्यूड व्हेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज थ्राइस द पोटेंशियल। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं इस बार मेंस का क्वेश्चन इससे भी आसान आया है, तो थ्राइस बोल रहा है वो तो इक्वल बोल रहा है, अब मेंस के प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना। वो कह रहा है वाई बताओ जो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी एकदम सेम है। आप अंदाजा लगा सकते हो किसी ने NCERT की पकड़ के ही बस ये क्वेश्चन डाला हुआ है, तो मैं तभी बोल रहा था आपको कि बेसिक क्वेश्चन बहुत आने चाहिए आपको, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, नीट भी बहुत बार आया हुआ है ये, अब तो NCERT लेवल ही चल रहा है सारा। सो इसके अंदर पोटेंशियल की काइनेटिक का फॉर्मूला हमें मालूम है, ये होता है काइनेटिक इज थ्री टाइम्स पोटेंशियल, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3y² 4y² वाई बाय ए की रेशियो आ गई प्लस माइनस 1/2। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड की रेशियो आ गई, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट है, एट अ टाइम व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज हाफ द एम्पलीट्यूड, तो कोई ऐसा टाइम है जब डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है हाफ द एम्पलीट्यूड, ये क्वेश्चन में गिवन है। फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल, आपको फ्रैक्शन निकालनी है काइनेटिक बाय टोटल पोटेंशियल बाय टोटल, कब, जब डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल है हाफ द एम्पलीट्यूड। तो अब क्वेश्चन जो अगला पार्ट है, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट, फिर अगला पार्ट है वाई बताओ जब एनर्जी हाफ काइनेटिक हाफ पोटेंशियल, ये बाद में करते हैं पहले ये करते हैं। मेरे को ये बताया कि जब वाई ए बाय टू है तो काइनेटिक किसके इक्वल है, काइनेटिक का ये फॉर्मूला,
काइनेटिक में वाई की जगह ए बाई टू पुट किया तो आपके पास काइनेटिक का ये फॉर्मूला, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। और उसी तरीके से पोटेंशियल के फॉर्मूले में हाफ एम वाई स्क्वायर में वाई की जगह ए बाई टू, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मुझे मालूम है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होता है। आपसे रेशियो पूछ रहा है काइनेटिक बाई टोटल की, काइनेटिक आ गई, टोटल पता है रेशियो। अब इसमें ये तो ऑब्वियस है कि अगर फ्रैक्शन आ गई है काइनेटिक की, तो फ्रैक्शन पोटेंशियल की क्या होगी, 1 - 3/4। तो फिर से फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, कर भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल और टोटल एनर्जी का रेशियो क्या आएगा ऑटोमेटिकली, 1/4। समझ में आया यहाँ तक? पोटेंशियल निकाल लिया, काइनेटिक निकाल लिया, कब, एट वाई इज इक्वल टू ए बाई टू, और फिर रेशियो निकाल ली, राइट। यहाँ तक क्लियर है? और अब वो कह रहा है कि वाई बताओ, जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें बता रहा है कि वाई की वैल्यू बताओ जब काइनेटिक किसके इक्वल है, पोटेंशियल। ये मेन क्वेश्चन है, मैंने बोला पोटेंशियल किसके इक्वल है, काइनेटिक। तो बोलो वाई क्या आएगा सॉल्व करके, अंडर प्लस माइनस ए बाई रूट टू, डन। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक, तो ये स्कूल लेवल में भी आ जाते हैं, तो मैं एनसीईआरटी से लेके आया हूँ, तो स्कूल लेवल तो आएंगे ही आएंगे ऐसे क्वेश्चंस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो मेंस और नीट के क्वेश्चन भी इसी टाइप के आने वाले हैं, मतलब अगर सीधा चला तो, उल्टा आ गया तो वो शीट बचाएंगी आपको जो हमने किया। देखो कुछ नहीं पता क्या होगा, कंप्यूटर क्या सिलेक्ट करेगा मुझे नहीं मालूम, हमारी तैयारी होनी चाहिए, बाकी हमारी किस्मत है। क्या पॉइंट क्लियर है? इस शीट के बाद जो नेक्स्ट शीट देखते हैं, ये शीट तो शायद कंप्लीट है हमारी पूरी, चेक कर लो साथ साथ। हाँ, ये शीट ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से कंप्लीट ही है हमने। हाँ नहीं, इसमें एक क्वेश्चन पेंडिंग है, राइट, ये वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, राइट, और भी चेक कर लो, यही है ना इस शीट में पेंडिंग। देखो देख लो, इसके ऊपर तो कोई नहीं, सब कंप्लीट है ना, इसके ऊपर चेक कर लो, ये रह गया था ना। हाँ देखो क्वेश्चन है, दो व्हील्स घूम रहे हैं, राइट, आने की प्रोबेबिलिटी मुझे पता नहीं, नॉलेज के लिए सीख रहे हैं तो नई चीज सीख लेते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन ऑब्वियसली इसमें तो नहीं आ सकता, बट ये है कि पता क्या पता छोटा करके देते हैं आपको। दो व्हील्स हैं खड़े खड़े घूम रहे हैं ऐसे, ठीक है, इसके ऊपर एक प्लैक रख दिया, फट्टा रख दिया एक, अब वो फट्टे और इस व्हील में फ्रिक्शन है, ये व्हील ऐसे घूम रहा है और ये चाहता है कि प्लैंक इधर जाए, ये व्हील ऐसे घूम रहा है और ये चाहता है कि प्लैंक वापस जाए। तो सोचो आपने इसको रखा ही था और थोड़ा सा आप ये लगा के चलो कि ये व्हील घूम रहे हैं, तो और देयर इज नो स्लिपिंग क्वेश्चन में गिवन, ये नहीं है कि वो स्लिप करता जाएगा और फटा वहीं रह जाएगा। तो ये व्हील चाहेगा कि इधर आए, मान लो पहले इनिशियल पोजीशन ये थी जब सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सेंटर में था, इस व्हील ने मान लो इसको यहां भेज दिया, राइट, पर मैंने क्या बताया, ये वाला व्हील इसे वापस भेजेगा। अब कोई स्टूडेंट कहेगा ये कैसे, ये जरूरी थोड़ी ना कि वापस भेजेगा। तो पहली बात तो कि इनिशियली जब ये प्लैंक इसके ऊपर पड़ा हुआ था, ये ऐसे ही था, ये अपने आप नहीं जाएगा इधर, आपको एक बार तो डिस्प्लेस करना पड़ेगा, हल्का सा डिस्प्लेस आपको करके छोड़ना पड़ेगा, फिर ये व्हील इसको वापस भेजेगा, फिर ये व्हील इसको वापस भेजेगा। पर कमाल की बात है, ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसे तो ये रेस्ट पे पड़ा ही हुआ है, नीचे व्हील घूमते जा रहे हैं रेस्ट पे, ये आपके हिलाने से ये ऐसे टू एंड फ्रो क्यों मूव कर रहा है, और प्रूव करो ये ऐसे मूव करेगा, और प्रूव करो ये SHM में मूव करेगा, उसका टाइम पीरियड निकालो। तो एक इसका पहले ना जरा फंडामेंटल प्रिंसिपल समझते हैं है क्या, तभी समझ में आएगा। प्रॉब्लम क्या है कि पहले सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर पे आ गया, डिस्टेंस L/2 L/2, डन। अब आपने क्या किया, आपने इसको हल्का सा प्लैंक को राइट डिस्प्लेस कर दिया, तो देखो सेंटर ऑफ मास कहां डिस्प्लेस हो गया, राइट, बाय डिस्टेंस ऑफ कितना, सेंटर ऑफ मास यहां पर आ गया। हुआ क्या इससे, सेंटर ऑफ मास जब यहां पर आया, और क्वेश्चन में गिवन है कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, ये नहीं है कि फटा जो इधर से उधर हो गया या ऐसे पलट गया, हो सकता है कि वो उठ भी जाए, कुछ नहीं होगा ऐसा क्वेश्चन में नहीं गिवन, रोटेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम भी मेंटेन्ड है। तो मैं आपको बताता हूं इसमें हुआ क्या, जैसी आपने इसको यहां पुश किया, इसके यहां क्या लग रहा था, नॉर्मल रिएक्शन, यहां भी नॉर्मल रिएक्शन। अब ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये टोटल कितना था, L/2 L/2 में से x गया तो L/2 - x, और ऐसी ये डिस्टेंस कितना था L/2 और ये कितना है x, तो L/2 + x।
लेना है यहाँ तक डिस्टेंसेज आपने चेंज किए हिला के, पहले सेंटर ऑफ मास L/2 L/2 भी था, आपने हिला दिया इसे, तो एक तरफ से डिस्टेंस बढ़ गया, एक तरफ से कम हो गया मानते हो। इससे क्या हुआ, क्योंकि मैंने बताया कि इक्विलिब्रियम्स हैं और दूसरी बात फ्रिक्शन भी प्रेजेंट है इस क्वेश्चन में, तो हुआ क्या कि ये वाला जो जो व्हील है वो राइट घूम रहा है जैसे मैंने बताया, और ये वाला व्हील कैसे घूम रहा है, लेफ्ट घूम रहा है। अब देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शंस कैसे एक्ट करेंगी। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए ये व्हील जब इधर घूम रहा है, ये व्हील इधर घूम रहा है, तो ये प्लैंक चाहेगा कि इसे अपोज करे, फ्रिक्शन का काम है ना, ये प्लैंक नहीं जाना चाहेगा पीछे की तरफ, तो अपोजिशन होगी, अपोजिशन होगी तो फ्रिक्शन प्लैंक पे कहां लगेगी, इस तरफ, राइट। तो या सिंपली ऐसे बोल सकते हैं, कई लोगों को ऐसे नहीं समझ में आता, ऐसे समझ लें, कौन इस प्लैंक को राइट भेज रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन ही एक ऐसी चीज है जिसको वापस भेज सकती है, नहीं तो ये स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगा, और ऐसी यहां पर जो फ्रिक्शन है उसको लेफ्ट भेज रही है। तो यहां अलग फ्रिक्शन है, यहां अलग फ्रिक्शन है, उसका रीजन है, रीजन ये है कि सबसे पहली चीज ये कि प्लैंक वापस क्यों आ रहा है, प्लैंक वापस इसलिए आ रहा है क्योंकि इस तरफ की फोर्स कितनी है FB और इस तरफ की फोर्स कितनी है FA। अब दोनों में से एक चीज बड़ी होगी एक छोटी होगी, जब ये मिड पॉइंट पे थे तो दोनों फ्रिक्शन बराबर थी, ठीक है ना, तो इनमें से कोई बड़ा एक और छोटा होगा, वो कैलकुलेट करने के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेशन में प्लैंक ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा, तो NA प्लस NB इज इक्वल टू वेट कितना इस प्लैंक का, MG, तो फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम अगर आपको याद हो, सेंटर ऑफ मास को सेंटर मानते हुए NA इनटू दिस डिस्टेंस इज NB इनटू दिस डिस्टेंस, तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम किया। इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे NA और NB की ये वैल्यूज आएंगे। आप एक चीज देखें, NA छोटा आ रहा है, NB बड़ा आ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन अनइक्वल है, जहां सेंटर ऑफ मास राइट जाएगा वहां वैसे भी इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, जहां सेंटर ऑफ मास राइट जाएगा वहां फट्टे का जोर ज्यादा पड़ेगा, वैसे ही बढ़ जाएगा, पहले तो बराबर बराबर था, अब जिसके ऊपर वो ज्यादा चला गया वहां जोर ज्यादा पड़ेगा, तो ऑब्वियसली यहां नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा यहां कम होगा, तो अगर नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा यहां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ज्यादा होगी यहां कम होगी, तो ऑब्वियसली अगर ये वाली फोर्स बड़ी होगी इससे, तो रिस्टोरिंग फोर्स कौन इस प्लैंक को वापस लेके आएगा, बड़ी में से छोटी फोर्स को माइनस कर दो, माइनस साइन का मतलब रिस्टोरिंग फोर्स है वापस आ रहा है, तो देखो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स क्या निकल के आई, डिफरेंस ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू टाइम्स NB, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू टाइम्स NA, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यूज आ गई यहां पर, NA और NB की वैल्यू मैंने राइट साइड पर निकाल रखी है और मैंने सर्कल किया हुआ है, NA और NB की वैल्यू को उठा के आप यहां से यहां पुट करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके यहां तक आ जाएगा, और यहां से ओमेगा स्क्वायर से कंपेयर करके ओमेगा आएगा, ओमेगा से टाइम पीरियड टी आएगा, ये पेपर में आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, यक्षी वर्मा का अनसॉल्व प्रॉब्लम है आप चेक कर सकते हो, एडवांस में आया हुआ प्रॉब्लम है, तो नॉर्मल प्रॉब्लम से तो थोड़ा हटके ही है, हो सकता है आपको इतना कैलकुलेशन वाला पार्ट ना आए, हो सकता है यही पूछ ले कि बताओ रिस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, हो सकता है ये पूछ ले कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम बना के दिखाओ, सिर्फ NA NB पूछ, हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि बताओ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पोर्शन की ज्यादा है किस पोर्शन की कम है, हाँ इतना बड़ा तो नहीं आएगा, कम से कम मेंस और नीट में तो नहीं आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम एडवांस लेवल का ही है, लग भी रहा है सोल्व करने में लंबा है, बट इसमें से कुछ अगर ब्रेक करके आया तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे प्रोवाइड कर सकती है रिस्टोरिंग फोर्सेस। पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो एक आइडिया समझ में आया, क्योंकि सारी गेम SHM की किस पे डिपेंड करती है, हाउ टू कैलकुलेट रिस्टोरिंग, और आपने ये भी देख लिया होगा इस टाइप की प्रॉब्लम में रिस्टोरिंग फोर्सेस जो होती हैं जो वो हर प्रॉब्लम की डिफरेंट ही होती है, और बिना प्रैक्टिस के आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो तभी जब ये प्रॉब्लम आती है तो लोग सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि वो रिस्टोरिंग फोर्सेस ढूंढ नहीं पाते, तो ये एक टाइप रह गई थी हमारी हाउ टू कैलकुलेट रिस्टोरिंग फोर्स प्लैंक वाले केस में। तो आज के बाद व्हील के ऊपर स्फीयर के ऊपर कोई भी जब प्लैंक मूव करेगा तो रिस्टोरिंग फोर्स फ्रिक्शन ही एक्ट करेगी, बात ही खत्म हो गई, इससे ये समझ में आता है। खैर इन एनी केस बाकी असाइनमेंट हो गई थी, व्हील का ओमेगा सेम है, हाँ वो सेम है, अनइक्वल मतलब स्पीड नहीं है, इक्वल स्पीड से व्हील घूम रहा है, यहां तक क्लियर है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट असाइनमेंट देखते हैं, ये असाइनमेंट चेक करना, ये कंप्लीट हो गई थी चेक करना, जिसका ये पढ़िए, हाँ ये असाइनमेंट पढ़िए, बोलो कहां से,
फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया था, ग्रेविटेशन वाला पार्ट था याद है, टनल वाला, ये तो हो गया था। यहां से करना है शायद, है ना? ओके, एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय सिक्स, डिस्प्लेसमेंट गिवन है। फाइंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड फ्रॉम टी इज इक्वल टू जीरो से लेके टी इज इक्वल टू पाई बाय ओमेगा। तो पाई बाय ओमेगा का मतलब क्या होता है? ओमेगा मीन्स टू पाई बाय कैपिटल टी, सॉल्व करेंगे तो टी बाय टू, सिंपल प्रॉब्लम है ये। तो जीरो से लेके इन शॉर्ट टी बाय टू के बीच में आपको क्या निकालनी है? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालनी है। आपको वाई एक्स की वैल्यू गिवन है इस क्वेश्चन में। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो एक काम करते हैं, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो हम यहां पर पुट करते हैं और देखते हैं एक्स कहां पर है। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? ए साइन पाई बाय सिक्स, पाई बाय सिक्स का मतलब 30 डिग्री, ए बाय टू। और एट टाइम टी बाय टू, क्योंकि इस टाइम का मतलब पाई बाय ओमेगा का मतलब क्या होता है? टी बाय टू। तो टी बाय टू टाइम पे हम यहां पर टाइम को टी बाय टू पुट करते हैं और ओमेगा को टू पाई बाय कैपिटल टी। तो पाई प्लस पाई बाय सिक्स, जो कि मेडिकल के लोग क्या करेंगे, पाई प्लस समथिंग जो होता है वो किस क्वाड्रेंट का एंगल है? ये पाई है, ये पाई बाय टू है, पाई प्लस समथिंग थर्ड क्वाड्रेंट हो जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन आता है वो नेगेटिव आंसर आता है मेडिकल के लोग, ठीक। और पाई है तो हमने उसमें किया था वेक्टर्स में, तो पाई है तो 180 का मतलब साइन का साइन रहेगा। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे मान सकते हो ए साइन ऑफ पाई बाय सिक्स, लेकिन आगे क्या लगेगा? माइनस, ठीक, क्योंकि माइनस इसलिए क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, राइट। तो पाई है तो साइन का साइन रहेगा, तो पाई बाय सिक्स यानी कि 30 डिग्री के हिसाब से आंसर क्या आएगा? माइनस ए बाय टू। तो आपने टाइम टी इक्वल टू जीरो पे, टाइम टी इक्वल टू टी बाय टू पे पोजीशन पता लग गई कि पार्टिकल कहां से कहां गया। तो मैंने इसको एक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर लिया। मैंने क्या किया कि एट टाइम टी इक्वल टू जीरो पे चेक करना एक्स कितना था, एक्स इतना माइनस ए बाय टू, यही था शायद, माइनस ए बाय टू, और नहीं ए बाय टू, सॉरी, हाँ ए बाय टू, ए बाय टू, सॉरी सॉरी, ओके ए बाय टू। और एंड एक्स इज इक्वल टू एंड टाइम टी बाय टू पे, टी बाय टू पे एक्स कितना है? माइनस ए बाय टू। तो अंडरस्टूड है कि हमारा जो स्टैंडर्ड पीरियोडिक मोशन है वो मीन से राइट एक्सट्रीम से लेफ्ट पे आता है। इसका मतलब मेरा पार्टिकल यहां से यहां आया होगा, पहले इधर गया, यहां से स्टार्टिंग है, यहां से नहीं है, यहां से है, तो यहां से स्टार्ट हुआ होगा और यहां पे आया होगा, राइट। तो इसको प्लीज कट कर लेना, ये ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, ये किसी काम का नहीं है। मैंने शायद पहले मीन से स्टार्ट किया होगा ना, लेकिन स्टार्ट यहां से हो रही है पोजीशन, राइट। तो ए बाय टू से माइनस ए बाय टू पे चले। अब बताओ पहले क्या निकालनी है? टोटल स्पीड, स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस बोलो कितना, इधर से इधर कितना? ए बाय टू, वापस आना ए बाय टू, इधर आना ए बाय टू, इधर आना ए बाय टू। तो ए बाय टू, ए बाय टू, ए बाय टू, ए बाय टू, टोटल डिस्टेंस ऐड कर दिया। और ऐसा कितनी देर में हुआ? जीरो से लेके पाई बाय ओमेगा, पाई बाय ओमेगा का मतलब ऑब्वियसली टी बाय टू ही होता है। ऐसे ही छोड़ दो आंसर, ठीक है। एवरेज स्पीड आ गई, एवरेज वेलोसिटी निकाल लें। जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, पार्टिकल यहां से यहां पे आया फाइनली, तो एवरेज वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट देखी जाती है। डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ ये और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ए बाय टू प्लस ए बाय टू कितना हो गया? ए। और टाइम तो वही लिया उसने, पाई बाय ओमेगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में क्या करना है? एवरेज स्पीड में डिस्टेंस ले लेने हैं, एवरेज वेलोसिटी में स्टार्टिंग और एंडिंग का डिस्प्लेसमेंट बस। तो यहां से यहां तक बस, ए बाय टू प्लस ए बाय टू। पॉइंट समझ में आया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मेन और नीट के लिए। डिस्प्लेस वेलोसिटी और स्पीड के बीच में वो डिफरेंस पूछ सकता है। क्लियर है यहां तक? ठीक। गिवन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यू की वैल्यू गिवन है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको फिर से एक बार, क्योंकि जब भी पोटेंशियल एनर्जी क्वेश्चन में गिवन होंगी याद रखना, ये टेक्निक है। मैं आज दूसरी शीट के अंदर भी ये क्वेश्चन लिख के लाया हूं। अगर पोटेंशियल एनर्जी गिवन होगी और आपको ये कहा जाए कि सिस्टम को एसएचएम में प्रूव करो और टाइम पीरियड निकाल लो, तो एक ही तरीका है। पोटेंशियल एनर्जी और रिस्टोरिंग फोर्स या फोर्स का एक रिलेशन होता है, एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाय डी आर या डी वाई या डी एक्स। देखना होता है यहां पर एनर्जी किस पे डिपेंडेंट है? एक्स पे। तो यहां पर डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम वर्क पर एनर्जी में ऐसा कुछ किया करते थे, याद आ गया। तो यहां से फोर्स आ जाएगी, वो रिस्टोरिंग फोर्स कहलाएगी। क्लियर? एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आज की डेट में मेज और नीट बहुत आराम से देख सकती हैं, पुराना एडवांस है। उन्होंने क्या किया, एक थोड़ी चलाकी की,
जान के यहाँ पर सी दे दिया ताकि लोग अपने ब्रैकेट के साथ ही कंफ्यूज हो जाएं, कोई ना कोई सी तो कट कर ही देगा, पक्की बात है। ध्यान से करना पड़ेगा यार, से सी से ब्रैकेट कंफ्यूज होता है ना, देखो कितने ब्रैकेट लगे हुए हैं। सी एक्स है वो, सी फॉर कॉन्स्टेंट, ब्रैकेट एक्स नहीं है। ये ना सोचा मैंने गलती से दो ब्रैकेट, एक ब्रैकेट फालतू लगा लिया, सी एक्स है। तो देखो यू की जगह ये पुट किया माइनस यू नॉट कॉमन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म, एम इन टू ए इज माइनस यू नॉट, कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो, कॉस की डिफरेंशिएशन कितनी माइनस साइन ऑफ सी एक्स इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स। तो सी इज अ कॉन्स्टेंट, डी एक्स बाई डी एक्स वन है, सी आगे ले आए तो एम ए इज माइनस यू नॉट सी इन टू साइन ऑफ सी एक्स। एस एच एम का रूल है कि एंगल्स छोटे लिए जाते हैं, तो साइन ऑफ सी एक्स को अप्रोक्सीमेटली क्या पुट करेंगे, सी एक्स। तो यहां से ये टर्म आ जाएगी, कंपेयर करके ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा से 2 पाई बाय टी, 2 पाई बाय टी से टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक, कैलकुलस ऐसे में कुछ भी नहीं है, और नॉन मेडिकल है तो वैसे भी प्लस टू के अंदर कैलकुलस कर लेंगे, तो उनको वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। मेडिकल में इतना बड़ा तो नहीं आएगा, छोटा आ सकता है इसका, यू छोटा फंक्शन देगा, दो तीन लाइन में खत्म हो जाएगा, पर टेक्निक याद रखनी है आपको। समझ में आ रहा है यहाँ तक, समझ क्लियर है? क्वेश्चन है कि आपको ना दो स्प्रिंग्स गिवन है, एक स्प्रिंग और दो स्प्रिंग, और बीच में एक रॉड है, रॉड ऑफ लेंथ एल एल एल, तो ये हिंज्ड है यहाँ से मान लो। ठीक, तो आपने इसको हल्का सा रोटेट कर दिया बाय एंगल ऑफ थीटा और छोड़ दिया, तो ये रॉड नॉर्मल पोजीशन ऊपर, नॉर्मल ऐसे मूव करेगी। इस एस एच एम को क्या बोलते हैं, लीनियर एस एच एम? नहीं, एंगुलर एस एच एम। जब टर्म ये कोई बॉडी ऐसे घूमती है, आगे पीछे जाना लीनियर एस एच एम, एंगल्स की फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट कवर करना एंगुलर एस एच एम। समझ में आ रहा है यहाँ तक? प्लस टू जब स्टार्ट होगी ना तो इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट होगा, दूसरा लेक्चर, एक डायपोल आएगा, डायपोल आप करते हो उसमें चार्जेस के साथ, तो वो ऐसे मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस दिन स्टार्ट होगा एंगुलर एस एच एम। अब जिसको नहीं आता प्रॉब्लम कहाँ से करेगा, पहले उसको एस एच एम पहले रिवाइज करवाना पड़ेगा, एंगुलर एस एच एम। ऐसे ऐसे मतलब प्लस टू सारी ऐसी नहीं है, बीच में शॉर्ट्स आ जाते हैं एसएचएम के बीच में, वो बंदा फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस लो होता है कि इस टाइप की प्रॉब्लम अटकती हैं जिन्होंने देखा नहीं हुआ, तो जिन्होंने देख लिया तो इट्स ओके, उनको समझ में आ जाएगा कि उसमें क्या। उल्टा प्लस टू का एसएचएम तो बहुत ही आसान है, ये तो फिर भी ठीक ठाक है, उसमें दो लाइन लगती है सिर्फ। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो इसके अंदर एक रॉड है, और मान लो आपने स्मॉल एंगल थीटा से इसको डिस्प्लेस किया, दिस इज एल बाई टू, एल बाई टू आपने कितना डिस्प्लेस किया वाई, तो रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग में कितनी है के वाई, नीचे y, सॉरी ये ऊपर चला गया y, तो रिस्टोरिंग फोर्स नीचे कितनी है के वाई, तो एंगल tan थीटा अप्रोक्सीमेटली y बाई एल बाई टू, और tan थीटा जब स्मॉल होता है तो tan थीटा को सिर्फ थीटा लिख सकते हैं sin थीटा की तरह, तो थीटा इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई एल बाई टू, तो y की वैल्यू आ गई। तो रिस्टोरिंग फोर्स देखें इसमें, सॉरी रिस्टोरिंग टॉर्क देखें, क्योंकि ये तो रोटेशन एंगुलर एस एच एम है, लीनियर एस एच एम में क्या ढूंढी जाती है रिस्टोरिंग फोर्स, और एंगुलर में क्या ढूंढी जाती है रिस्टोरिंग टॉर्क। टॉर्क देखें, फोर्स कितनी एक्ट कर रही है इसके ऊपर के वाई, ये फोर्स कितना टॉर्क जनरेट करेगी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल बाई टू, और ये कितना डेवलप करेगी, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल बाई टू, फोर्स इनटू एल बाई टू, फोर्स इनटू एल बाई टू, और माइनस साइन का मतलब रिस्टोरिंग टॉर्क की वापस लेके आ रहा है, क्योंकि आपने जबरदस्ती इसको ऐसे मूव करवा दिया, रिस्टोरिंग टॉर्क क्या करेगा इसे वापस ले आएगा। टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा, और आई की वैल्यू रॉड का अगर ये एक्सेस है तो रॉड के सेंट्रल एक्सेस पे आई की वैल्यू क्या होती है, एम एल स्क्वायर बाई 12, तो यहां पर आई की जगह एम एल स्क्वायर बाई 12, और यहां पर वाई की जगह क्या पुट करना है, थीटा एल बाई 2, तो पुट कर दिया, पुट किया तो आपके पास एल्फा और थीटा का रिलेशन आ गया। एंगुलर एस एच एम की इक्वेशन करवाई थी मैंने, एल्फा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, कंपेयर करके ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, तो यहां से क्या आ गया टाइम पीरियड टी, राइट। तो आज की बात, कोई भी बॉडी रॉड अगर अपने एक्सिस पे ऐसे घूमे तो समझ लेना एंगुलर एस एच एम की प्रॉब्लम है, बस ये क्लिक करनी चाहिए कि इस टाइप की प्रॉब्लम है, एंगुलर एस एच एम लगेगा। पेपर में सोचना नहीं होता कि इतना कि पता नहीं क्या लगेगा, फिर नहीं होता कॉम्पिटिशन क्लियर, वो एकदम परफेक्ट होता है कि हाँ पता होता है स्टूडेंट को, ये मैंने किया हुआ है, इसका ये टेक्निक है, राइट क्लियर है आप? ये क्वेश्चन ना बहुत पहले आया था एडवांस में, फिर ये आया मेंस में,
फिर अगली बार फिर से रिपीट कर दिया मेंस में, ये पता नहीं अब आएगा कि नहीं आएगा, किसी ने पुराना पेपर डाल दिया, ऐसे ही डाल दिया कंप्यूटर में, सिलेक्ट होकर आ गया तो आ गया, नहीं आया तो आपकी किस्मत है। देखो अब तो कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा, क्योंकि अब तो उनका क्वेश्चन बैंक बन चुका है, उसमें से सिस्टम ने उठा के बस डाल देना है किसी ने तो टाइम। अब तो क्वेश्चन तो रोज उसमें डाले जाते होंगे, ऑब्वियसली खूब डालते ही रहते होंगे, और टाइम के साथ ये क्वेश्चन का बैंक बहुत इकट्ठा होने वाला है, ये तो बात पक्की है, क्योंकि एक साल के अंदर बहुत क्वेश्चन डाल देते होंगे, तो कहीं ना कहीं वो रैंडम सिलेक्शन तो है ही है एक प्रोसेस। देखो मैं एक कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहा हूँ, और एक लॉजिक सोच रहा हूँ कि अगर मैं अगर कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, तो मैं ये तो नहीं चाहूंगा ना कि 10 ही क्वेश्चन हो SHM के, तो वो तो यार लोगों को पता ही लगेगा बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैं चाहूंगा कि कम से कम 200 300 400 और टाइम के साथ 500 1000 क्वेश्चन हो, ताकि रेपिटेशन का चांस ही ना हो, तो मतलब बार बार उसी चीज को जो है घुमाता जाऊं मैं, प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी ना रेपिटेशन की, तो इस तरीके से बना हुआ है। सो इसके अंदर आपको क्या क्वेश्चन में गिवन है कि आपको एक सिलेंडर गिवन है, ये सिलेंडर है, थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड आया क्वेश्चन थर्मो के ऊपर, सिलेंडर है एंड सिलेंडर के केस में इसका वेट है mg पिस्टन का, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एरिया पिस्टन का a है, अंदर का प्रेशर p नॉट v नॉट है, आपने हल्का सा इसे दबा दिया, बहुत हल्का हल्का सा दबा के इसका प्रेशर चेंज हो गया, वॉल्यूम भी चेंज हो गया, इसका वेट mg है, बाहर तो एटमॉस्फेरिक लग ही रहा है, आपने कितना डिस्प्लेस कर दिया बाय डिस्टेंस ऑफ x, ऐसा करने में आपने फोर्स लगाई, ठीक हो गया, होगा क्या आपको, और हाँ ये प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल कंप्रेशन किया, तो ये आपने कंप्रेस किया अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, टेम्परेचर रिमेनिंग द सेम, तो कहते हैं कि ये नीचे आएगा फिर ऊपर आएगा अपने आप ही, क्योंकि आप छोड़ दोगे दबा के इसे, फिर ऊपर आएगा पर मोमेंटम गेन कर चुका होगा और ऊपर जाएगा, फिर इस तरीके से हल्का हल्का अपने रेस्ट पे आगे ना प्रूव करो SHM में मूव करता रहेगा ऐसे, बहुत हल्का ये क्वेश्चन है, क्या ढूंढनी पड़ेगी, रिस्टोरिंग फोर्स। कई लोग पूछ रहे थे सर एनर्जी और फोर्स में से कैसे पता लगेगा एनर्जी से SHM प्रूव करना है या फोर्स से, तो एनर्जी की दो ही तरीके की प्रॉब्लम मिलेंगी आपको एनर्जी से SHM की, एक जिसमें स्प्रिंग के साथ एक स्फीयर कनेक्टेड है, हमने मैंने लिखा था वो स्प्रिंग और स्फीयर वाला क्वेश्चन, जिसमें हम रूलिंग की एनर्जी निकालते हैं और टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट मानते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करके SHM प्रूव करते हैं, और दूसरा आज वाला क्वेश्चन साइन कॉस वाला, जब एनर्जी यू गिवन होती है और एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, और कोई तीसरा तरीका ही नहीं एनर्जी का, बस इन दो तीन क्वेश्चन के अंदर ही एनर्जी यूज होती है, नहीं तो रिस्टोरिंग फोर्स ही यूज होती है। रिस्टोरिंग फोर्स के अंदर सबसे पहले काम करते हैं आइसोथर्मल कंडीशन में, पी नॉट वी नॉट इज इक्वल टू पी इन टू वी, क्लियर है, पहले प्रेशर और वॉल्यूम पी नॉट वी नॉट है और बाद में क्या हो गया पी इन टू वी हो गया, ये क्वेश्चन तो वैलिड है, आइसोथर्मल थर्मो तो नहीं भूल गए, ठीक है ना, यहां तक ये तो लगेगी। अब पहले केस में क्या था, पिस्टन रेस्ट पे पड़ा हुआ था जब मैंने टच नहीं किया, जब मैंने टच नहीं किया तो बताओ नीचे फोर्स कितनी लग रही है, पी एटमोस्फेयर इनटू एरिया प्लस वेट कितना पिस्टन का एमजी, और नीचे से प्रेशर की वैल्यू क्या लग रही है पी नॉट, और कितने एरिया पे ए, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई राइट, तो ऊपर की फोर्स और नीचे की फोर्स को मैंने बैलेंस कर दिया, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट केस नंबर टू में, केस नंबर टू में क्या हुआ कि ऊपर से फोर्स कितनी अप्लाई की, पी एटमोस्फेरिक इनटू ए प्लस वेट कितना एमजी, और नीचे मुझे ऑपोजिशन मिला कितना प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि अब इक्वल नहीं होगा, क्योंकि पिस्टन को अब वापस जाना है, क्योंकि आप जबरदस्ती कर रहे हो इक्विलिब्रियम पोजीशन को हटा रहे हो, तो इक्विलिब्रियम जो थी वो तो ये थी कि जब ऊपर की और नीचे की फोर्स बैलेंस है, अब अनइक्वल फोर्सेज होंगी, तो अगर मैं ये पूछूंगी बताओ नीचे की तरफ कितनी एक्सेलरेशन है या नेट फोर्स नीचे की तरफ कितनी है, तो नीचे जाने के लिए ये वाली मेरी अप्लाइड फोर्स P एटमोस्फेयर एरिया प्लस mg और अंदर से फोर्स कितनी है P into a, तो ऑब्वियसली एक फोर्स बड़ी होगी एक छोटी होगी, मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, आप ये अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं हमें तो रिस्टोरिंग चाहिए, ये तो आप अपनी फोर्स लगा रहे हो दबाने की, तो मैंने नोट लिखा हुआ है रिस्टोरिंग के साइन क्या लगता है माइनस। हम ऐसा कर सकते हैं कि जब मैंने इसको दबाया तो अंदर की फोर्स बढ़ गई, और वे दबाओगे तो गैस उठा के आपको ऊपर नहीं फेंकेगी, तो गैस ने कितनी फोर्स लगाई प्रेशर इनटू एरिया, आपने कितनी लगाई पी एटमोस्फेरिक एरिया प्लस वेट एमजी ऑफ द पिस्टन प्लस एमजी लिखा हुआ है इसमें, चेक कर लेना प्लस एमजी कट तो नहीं गया लिखा हुआ है, तो यानी कि अंदर की फोर्स बड़ी है बाहर से फोर्सेस छोटी है
और यही क्या करेगी, इस पिस्टन को बाहर भेजेगी बाय अप्लाइंग सम रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्सेस एम ए, और रिस्टोरिंग के लिए टर्म क्या लगानी पड़ेगी, माइनस, माइनस को अंदर ले जाओ। देखो क्वेश्चन बिल्कुल यही बन गई ना सेम, इसमें इसमें कोई फर्क नहीं, चेक कर लो। वैसे ये करेक्ट, ये सही तरीका है, एक्चुअल तरीका यही है कि बड़ी में से छोटी फोर्स माइनस किया तो रिस्टोरिंग जो पिस्टन को ऊपर लेके जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बस बस आराम करो, उसके बाद यही तो ढूंढनी होती है। देखो इसकी वैल्यू तो उठा के सीधी पी नॉट ए यहाँ से पुटी कर दो, तो ये आपके पास एम ए की वैल्यू आ गई, ए कॉमन आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 1 से पी नॉट वी नॉट पी इंटू वी के इक्वल था, और पी नॉट वी नॉट इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम है, अब प्रेशर वी है और वॉल्यूम कितना है, आपने कितना पिस्टन को दबाया था एक्स, तो वॉल्यूम कितना चेंज किया, ए इंटू एक्स, एरिया इंटू एक्स वॉल्यूम, तो नया वॉल्यूम क्या हो गया, वी नॉट जितना पहले था माइनस ए इंटू एक्स। तो यहां से पी नॉट, यहां से वी नॉट को कॉमन निकाल लो, तो यहां पे वी नॉट कॉमन नहीं निकल रहा, तो वी नॉट से डिवाइड कर लो, पी नॉट वी नॉट से वी नॉट कैंसल, पी नॉट आ गया, पी नॉट और पी आ गया, यहां से पी की वैल्यू आ गई, इसको ऊपर ले जाओ 1 माइनस ए बाई वी नॉट रेस टू पावर माइनस 1, और फिर बाइनोमियल लगाओ, क्योंकि बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है एक्स पिस्टन की, बाइनोमियल लगा के ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर इक्वेशन नंबर 3 जो चल रही थी वापस से, इक्वेशन नंबर 3 जिसमें एम इंटू ए हमने निकाला था, ए इंटू पी नॉट माइनस पी, इस पी को उठा के यहां पे पुट करो, इसे ओपन करो, ओपन करके इसे ओपन करके ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ए और एक्स में रिलेशन आएगा, ओमेगा की वैल्यू आएगी, ओमेगा से टाइम पीरियड आएगा, और ये मेडिकल में नहीं आएगा, ये बात तो पक्की है, नॉन मेडिकल में आया हुआ है, और वो भी 16 और 15 की बात बता रहा हूँ, 18 19 की तो बात ही नहीं हो रही है, ठीक। और उन्होंने उठा के एज इट इज एडवांस का क्वेश्चन, एज इट इज उठा के सोचा ही नहीं, एज इट इज दे दिया, तो ये क्वेश्चन पहले एडवांस में आया हुआ है, पुराने पेपर में दिखेगा, फिर आपको मेंस में भी सेम क्वेश्चन दिखेगा, राइट। तो ये ना अभी मुश्किल लग रहा है कि इतना लंबा, ये इतना लंबा है नहीं, मेरे स्टेप्स क्योंकि थोड़े ईजी लिखे होते हैं ताकि हर स्टेप आपको खुद समझ में आए, अदरवाइज अगर जिनको आता है वो बहुत जल्दी कर लेते हैं ऐसे, राइट। और मजे की बात देखो, जिस साल ये मेंस में आया उसके बिल्कुल अगले साल उन्होंने सेम क्वेश्चन फिर डाल दिया, लेकिन प्रोसेस को आइसोथर्मल की जगह एडियाबैटिक कर दिया। अब जब एडियाबैटिक आया सेम है, इक्वेशन चेंज हो गई, पी नॉट वी नॉट गामा पी वी गामा, वो इक्वेशन सेम है, सब कुछ सेम है, यहां तक बिल्कुल सेम है, यहां तक बिल्कुल सेम है, ये देखो बिल्कुल सेम है, यहां तक तो रिस्टोरिंग फोर्स तक तो बिल्कुल ही सेम चलेगा। फिर ये इक्वेशन लगा के वॉल्यूम को फिर वो पुट किया वी नॉट ए एक्स, बस फर्क ये है कि आइसोथर्मल में ये 1 था, इसमें ये गामा चल रहा है, तो यहां से फिर एक बार कॉमन निकालना पड़ेगा आपको, वी नॉट कॉमन आएगा, तो इस बार वी नॉट रेज टू पावर गामा के साथ में आएगा, कैंसल, फिर पी आ गया, बाइनोमियल लगी, ये ऊपर जाएगा तो रेज टू पावर माइनस गामा, माइनस गामा और माइनस कैंसिल तो प्लस गामा, कि ये पी की वैल्यू को यहां पे पुट करना है, ये टर्म आएगी, इसे ओपन करोगे तो एक्सेलेरेशन ऑफ एक्स में रिलेशन आएगा, यहां से ओमेगा आएगा, वहां से टाइम पीरियड आएगा। मतलब पिछले प्रूफ में जहां वॉल्यूम वी नॉट माइनस ए एक्स रेज टू पावर 1 था, तो हर जगह वहां गामा गामा आना स्टार्ट हो जाएगा, दैट्स इट। सेम क्वेश्चन है, बस गामा के साथ बाइनोमियल लग रही है, उसमें माइनस 1 के साथ लग रही थी, घर जाके पढ़ोगे स्टेप तो समझ में आएगा, ठीक। तो मुझे नहीं पता आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन, ठीक लगा, मुश्किल लगा, ठीक है, एक बार करने के बाद हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, फिर आ ही जाए फिर तो, ठीक। फिर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेगा, मान लो आपको एक स्प्रिंग गिवन है और एक मास गिवन है, राइट। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट 100 है, मास 1 केजी है, दीवार कितने दूरी पे है, 4 सेंटीमीटर दूरी पे दीवार है, और ई गिवन है, रेस्टिट्यूशन तो नहीं भूल गए, टक्कर होगी तो एनर्जी लॉस होगा, पक्की बात है, टक्कर भी होगी और वापस भी आएगा, देखना। तो क्वेश्चन है, स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय 3 सेंटीमीटर, तो स्प्रिंग को आपने 3 सेंटीमीटर दबाया हुआ है, पक्की बात है स्प्रिंग यानी कि यहां पर था नेचुरल लेंथ पर आपने 3 सेंटीमीटर दबा दिया, ठीक। तो यानी कि ये ब्लॉक पहले यहां पर था नेचुरली, दीवार से कितनी दूरी पे, 1 सेंटीमीटर पे,
पर आपने इसको 3 सेंटीमीटर दबा दिया। ब्लॉक रीबाउंड आफ्टर कोलिजन विद दी वॉल, छोड़ दिया, ब्लॉक गया दीवार से टक्कर होके वापस आ गया। नो फ्रिक्शन ई गिवन है, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग आफ्टर कोलिजन। अब होगा क्या, जब ये यहां से रिलीज होगा टक्कर लगेगी वापस आएगा, टक्कर के दौरान कुछ एनर्जी दीवार को देके आएगा क्योंकि रेस्टिट्यूशन है, और फिर स्प्रिंग को आके कंप्रेस करेगा। जब स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, अब आपको बताना है कि स्प्रिंग कितना कंप्रेस होगा। पहली बारी आपने कितना कंप्रेस किया था, 3 सेंटीमीटर, और अब सेकेंड टाइम कितना कंप्रेस होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो सारी गेम जो है वो इसके अंदर एनर्जी या डिस्प्लेसमेंट्स की होंगी। सबसे पहले हेयर स्प्रिंग विल बी कंप्रेस्ड अगेन बट विद एनर्जी लॉस ड्यू टू कोलिजन विद द वॉल। ये समझ में आ रहा है, दीवार के साथ कोलिजन की वजह से लॉस होगा, राइट? पहला स्टेप क्लियर है। अब पहली बार जब वो चला था तो मैंने बताया ना पहले, यानी कि वो यहां पर हुआ करता था ब्लॉक, पर आपने 3 सेंटीमीटर दबा के छोड़ दिया, टक्कर खा के वापस आएगा। तो पहले जब यहां पे था 3 सेंटीमीटर पे, तो पहली बारी जब उसको दबाया था, मैक्सिमम डिस्प्लेस किया था, तो पहली बारी में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना था, 3। एम्पलीट्यूड बोलते हैं ना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को, तो पहली बार एम्पलीट्यूड कितना था, 3, और एक्स कितने, 1। एक्स 1 का मतलब क्या है, मतलब मीन पोजीशन से उसकी डिस्प्लेसमेंट। तो जब वो यहां यहां पर आएगा, जब ये खुल जाएगा यहां पर आएगा, मीन पे आ जाएगा, फिर जाके दीवार को टक्कर मारेगा, तो मीन से लेके एक्सट्रीम तक, या मीन से लेके सॉरी दीवार तक उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर होगी, 1, राइट? तो मैं ये निकालना चाहता हूं कि उसने दीवार को कितनी वेलोसिटी से टक्कर मारी। वेलोसिटी का और डिस्प्लेसमेंट का SHM में वही स्टैंडर्ड फॉर्मूला, वी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ a² - x². तो पहले केस में वेलोसिटी v1 है, वेलोसिटी विद विच ब्लॉक हिट्स दी वॉल, सॉरी वॉल करो करेक्शन, ग्राउंड नहीं वॉल, वेलोसिटी विद विच द ब्लॉक हिट्स दी वॉल, दीवार को टक्कर मारेगा, राइट? और कब मारेगा, जब x की वैल्यू क्या होगी इसमें, 1। तो मैंने ये फॉर्मूला यूज किया और मैंने कहा कि डिस्प्लेसमेंट 1 है, जब एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी है, 3 है, मैं वेलोसिटी निकालूंगा। तो मैं सेकेंड, पहले सेकेंड केस बनाते हैं। अब सेकेंड केस में मुझे फिर से एम्पलीट्यूड निकालना है। देखो सेकेंड केस में क्या होगा, सेकेंड केस में दीवार से टक्कर हो गई, एनर्जी लॉस तो हो गया, अब जो होता था वापस आया मीन पोजीशन पर, अब स्प्रिंग को फिर कंप्रेस करेगा ब्लॉक। अब पहले कितना कंप्रेस करता था, a1, अब a1 नहीं कर पाएगा, थोड़ा कम करेगा बिकॉज वो एनर्जी लॉस करके आया है। तो मान लो कितना किया उसने, a2, फिर जाएगा और दीवार को फिर टक्कर मारेगा, फिर चल सेम प्रोसेस रिपीट होगा। तो अब सेकेंड केस में a2 निकालना है, और फिर जब वापस खुलेगा मीन पे आएगा, दीवार को टक्कर मारेगा, तो फिर से x की वैल्यू दीवार की फिर क्या रहेगी, सेम, वो तो वन ही रहेगी, दीवार तो उसी पोजीशन पे रहेगी। फिर इक्वेशन लगाई, तो इस बार कितनी वेलोसिटी से हिट कर रहा है वो, v2, क्योंकि रास्ते में कोई एनर्जी लॉस तो है नहीं, क्योंकि v1 उसने हिट किया था और v2 से वो चल पड़ा था। जब वापस ब्लॉक आएगा तो v2 से ही टक्कर मारेगा बिकॉज रास्ते में कोई एनर्जी लॉस नहीं है। लेकिन मुझे ये समझ में आता है कि अब जो वेलोसिटी है वो e × v1 है, क्योंकि वो रेस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फाइनल वेलोसिटी इज e टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी। तो मेरे को v2 का फॉर्मूला पता है, मेरे को v1 का फॉर्मूला पता है, ओमेगा ओमेगा कैंसिल, a1 मुझे क्वेश्चन में पता है, x की वैल्यू 1 सेंटीमीटर पता है, e मुझे पता है, यहां से a की वैल्यू √5 आ जाएगी। पॉइंट समझ में आया कि कैसे करना है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी कोलिजन को लेके, ठीक? मेरे को नहीं पता ये आएगा कि नहीं आएगा, मुझे लगता है आएगा तो उसको ब्रेक करके कोई तोड़ के बना देगा क्वेश्चन, थोड़ा हो सकता है ऐसे भी दे दे, मुश्किल तो नहीं है मुझे लगता है ये, नहीं ठीक है, मतलब मुश्किल लग रहा है, बढ़िया है यार।
देखो एक बात को समझो पहले, ये समझते हो मीन है, दीवार ना होती ना तो ये ब्लॉक कहीं दूर चला जाता, पर में दीवार आ गई। मेरे को बस दीवार की कोलिजन से मतलब नहीं, मुझे बताओ कि 1 सेंटीमीटर जब ये मीन से राइट डिस्प्लेस हो जाएगा तो वी कितना है? आपने बोला वी वन है, मैंने सीधा ये फॉर्मूला लगा दिया वी वन का, फिर ऐसे ही टक्कर हो गई वी वन, लॉस हो गई वेलोसिटी, फिर वापस आया, अब इस बार ए वन की बजाय ए टू से कंप्रेस किया, फिर चल पड़ा, फिर चलते 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 यहां पे आया, फिर दीवार तो 1 सेंटीमीटर पे आएगी ना, पर इस बार वो ए टू एम्पलीट्यूड करके आया है, पिछली बार वो ए वन करके आया था, अब वो वी टू से हिट करेगा, फिर वी टू का फॉर्मूला इसी तरीके से ये ए टू हो जाएगा और ये वी टू हो जाएगा। अब वी टू सेकेंड वेलोसिटी है टक्कर के बाद, तो टक्कर के बाद जो वेलोसिटी होती है ई टाइम टक्कर से पहले वेलोसिटी होती है, फिर ये पुट करके सॉल्व कर ले, मुश्किल न्यूमेरिकल है, ठीक। मुझे नहीं पता आपको कैसा लग रहा है, मेरे को तो ये ऐसा लग रहा है कि अगर मेरे पेपर में आता तो मैं 2-4 मिनट सोचता कि यार थोड़ा आराम से, ठीक। देखो अभी क्या होता है कि पेपर आसान किसे बोलते हैं? पेपर आसान बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, वाई निकाल दो, ये होता है आसान पेपर, कि जिसमें बंदा गया था उसने फॉर्मूला लगाया और वो आ गया, बस उसका ना तो ब्रेन यूज हुआ ना उसने ज़्यादा सोचा, उसके मन से बस सिर्फ एक फीलिंग आई कि ये तो हो गया, बस ये आसान है। जहाँ उसके माइंड में आया क्वेश्चन देख के कि यार अब मुझे क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा समझना पड़ेगा और मुझे ना 4 लाइनें लिखनी भी पड़ सकती हैं डायग्राम के साथ, वो एक मॉडरेट पेपर होगा। क्वेश्चन मुश्किल वो हुआ कि मेरे को इरिटेशन हो रही है पढ़ के और मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये होगा कि नहीं होगा, ये तीसरा लेवल है, ठीक। और पेपर मॉडरेट था फिजिक्स का, न्यूज़पेपर में आया, इजी और मॉडरेट के बीच में था, यानी कि इरिटेटेड पार्ट उन्होंने इस बार ज़्यादा डाला नहीं, कि जिसमें लोगों को लगे कि कहाँ से शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ समझ में नहीं आ रहा, जैसे 2018 में कई सैंपल देखेंगे आपको इसके, ठीक, तो वैसा नहीं डाला, आसान डाला। एक बच्चे ने कहा कि SHM का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, 3-3 लाइन का NCERT के क्वेश्चन डाल रखे हैं उन्होंने। आप अभी जब फ्री हो जाओगे ना थोड़ा डाउनलोड करना पेपर्स, उनको ना घर बैठ के सॉल्व करना, बिलीव मी मैं बता रहा हूँ आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, इन शीट से तो बेटर ही आएगी, शीट से तो सारी कवरेज है ना, सारी कवरेज थोड़ी ना आएगी, अगर जैसे नीट वाले करते होंगे उनको अच्छा लगता होगा सॉल्व करके, होते हैं ऐसे ही मेंस का इस साल का पेपर, 3-4 पेपर्स हैं वो आप ट्राई करना, आपसे होंगे पक्का होंगे, इजी काला है मेरे को लगता है, ठीक। बट मैंने फिर कहा उन्होंने इजी डाला, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी शीट में से काट दूं और आधी बुक को फेंक दूं, हो गया अब तो ठीक हो गया हमारा भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, पता नहीं अगले साल क्या होगा, तैयारी सारी करके जाओ। देखो ये असाइनमेंट मुश्किल है यार, थोड़ी सी ये असाइनमेंट का लेवल थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा है, ये पुराने एडवांस से बनी हुई है यार, मुझे याद आ रही है कुछ कि ये नॉर्मल है नहीं। देखो क्वेश्चन देखो, फाइंड टाइम, पहले देखो ये ना एक मीन पोजीशन पे था मास, और जब ये एक्स पोजीशन पर था तो उस टाइम टाइम स्मॉल टी है, मतलब स्मॉल टी टाइम पे इसकी डिस्प्लेसमेंट एक्स है, फिर ऑब्वियसली ये नीचे आया होगा, फिर ये मास ऊपर भी गया होगा, मतलब यहाँ से ऐसे, तो मेरे को एक क्वेश्चन में ये गिवन है टाइम इट विल, टाइम यानी कि टी डैश निकालना है, मास विल टेक टू रीच द मीन पोजीशन, कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द जर्नी ये नहीं है, क्योंकि अगर ये होता फिर आप मुझे आंसर बोलते T by 4 plus T by 2, अगर मैं यहां से जर्नी पूछता वापस मीन कब आया, आप बोलते T by 4 plus T by 4, आंसर T by 2, उसने कहा कि नहीं जर्नी यहां से स्टार्ट है, यहां से स्टार्ट करते हुए बताओ कि वो यहां से यहां कितनी देर में आया, तो पार्ट ऑफ जर्नी दे दिया। अगर आप मुझे ये टाइम बता दो स्मॉल टी, जब उसने एक्स डिस्टेंस कवर किया था और जब उस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी क्या थी वी, तो मैं टी बाई टू में से इस छोटे टी को माइनस कर दूं, बचा हुआ टाइम आ जाएगा, तो टी डैश निकालने के लिए टोटल टाइम यहां से यहां तक टी बाई टू में से क्या माइनस कर दिया,
स्मॉल टी, तो क्या टाइम आ गया, बचा हुआ टाइम आ गया, राइट। लॉजिक समझ में आया कैसे निकलेगा ये, मतलब अगर मैं मास यहां से छोड़ू टी बाय फोर, टी बाय फोर टोटल टी बाय टू, मेरा क्वेश्चन में टाइम पूछा जा रहा है यहां से ये वाला, तो मैंने क्या किया, ये मुझे पता है टी बाय टू है, मैं यहां से यहां आने का टाइम निकाल लेता हूं स्मॉल टी, फिर मैं टोटल टाइम टी बाय टू में से स्मॉल टी को माइनस करूंगा तो बचा हुआ टाइम आ जाएगा, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है श्योर। हाँ टी बाय फोर प्लस टी बाय फोर टी बाय टू, मतलब अगर ये यहां से यहां 10 सेकंड ले रहा है, यहां से यहां 1 सेकंड ले रहा है, तो फिर ये टोटल 9 सेकंड लेगा, राइट। तो स्मॉल टी निकालना आसान है, देखो ये किया हुआ है टी डैश इज टी बाय टू माइनस टी, वो इसलिए आसान है क्योंकि ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, फ्रॉम मीन एंड इज गोइंग टूवर्ड एक्सट्रीम, तो मीन से एक्सट्रीम इक्वेशन हमने की हुई है एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन यूज करते हैं ना, और जब डिस्प्लेसमेंट एक्स है और एम्पलीट्यूड ए है, स्मॉल टी निकाल लें, एक्स बाय ए साइन ओमेगा टी इज एक्स बाय ए, ओमेगा टी इज साइन इनवर्स एक्स बाय ए, स्मॉल टी की वैल्यू 1 बाय ओमेगा टाइम दी आ जाएगी, स्मॉल टी आ गया, मेरे को क्या निकालना है टी डैश टी बाय टू माइनस स्मॉल टी, स्मॉल टी की जगह ये पूरे का पूरा पुट कर दिया, और कैपिटल टी को क्या पुट कर सकते हैं, स्प्रिंग मास सिस्टम में कैपिटल टी क्या होता है, टू पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एम बाई के, तो यहां से सॉल्व करके ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ के बाई एम, तो जहां जहां या तो यहीं तक छोड़ दो, बस यहां तक छोड़ दो, तो भी ये तो पुट कर लोगे टी बाई टू, और स्मॉल टी में क्योंकि ओमेगा यूज हो रहा है ना, तो इसलिए यूज किया क्योंकि ओमेगा की वैल्यू यहां पर क्या पुट की मैंने, अंडर रूट ऑफ के बाई एम, अंडर रूट ऑफ के बाई एम। प्रॉब्लम यह है कि इस क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड भी नहीं गिवन, मेरे को वेलोसिटी गिवन है, तो मैंने वी ये फॉर्मूला यूज करके, जब डिस्प्लेसमेंट एक्स है तो वेलोसिटी वी है, यहां से सॉल्व करके क्या निकाल लिया एम्पलीट्यूड, इस एम्पलीट्यूड को उठाकर यहां पुट कर लिया, तो ये आंसर आ गया, मेडिकल में नहीं आएगा ऑब्वियसली, एडवांस का क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन देखते हुए भी लग ही रहा होगा किसी एंगल से, मेंस और नीट का तो लग भी नहीं रहा, ये बंदा शुरू भी नहीं करेगा इसे ऑप्शन देख के, बट ये क्वेश्चन ऑब्वियसली मेंस नीट का नहीं है, आने वाला भी नहीं है, बट मैं ये समझता हूं इस कैलकुलेशन को हटा के वो न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा आपको, कैपिटल टी दे देगा आपको, मान लो 4 सेकंड है, स्मॉल टी के लिए एक्स दे देगा आपको, तो एक्स की वैल्यू पुट करके स्मॉल टी निकाल लोगे, तो उस में से उसे माइनस कर लेना टी बाय टू में से स्मॉल, न्यूमेरिकल फिर ये बहुत छोटा बन जाएगा, तो आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है, आपको ये कैलकुलेशन तो देखो सेकेंडरी है, कैलकुलेशन तो एक नजर मार के ठीक है, अपनी अपनी कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कैसे टी बाय टू में से स्मॉल टी को माइनस किया और स्मॉल टी निकलेगा कैसे, बस ये चीज क्लियर होनी चाहिए, राइट। मुश्किल क्वेश्चन, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है, सॉरी क्या जो होगा ही नहीं तो मुश्किल ही कहूंगा, आसान कैसे कहूंगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर एक वॉल है, एक दीवार है, ये एक दीवार है, एक पेंडुलम है, पेंडुलम है, अल्फा और बीटा इसके एंगल्स हैं, बराबर नहीं है देखो, और लेंथ ऑफ द पेंडुलम एल है, टाइम पीरियड निकालो पेंडुलम का जब बीटा लेस देन अल्फा है, बीटा लेस देन अल्फा समझते हो, मान लो अल्फा 30 डिग्री है, बीटा 30 डिग्री से कम है, 25 है मान लो, तो क्या इसकी दीवार से टक्कर होगी, देखो ये 25 है, ऑब्वियसली ये भी 25 ही जाएगा ना, इधर बढ़ कैसे जाएगा, लेकिन बीट इसमें अल्फा बड़ा है और बीटा छोटा है, कहने का मतलब कि अगर ये 25 डिग्री है तो इधर से भी 25 डिग्री ही तक आ पाएगा बस, इसका मतलब इसकी दीवार से टक्कर नहीं होगी, तो अगर बीटा लेस देन अल्फा है तो दीवार से टक्कर नहीं होगी, और अगर दीवार से टक्कर नहीं होगी दीवार को क्यों देख रहे हो, बस पेंडुलम हवा में मूव कर रहा है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला बस, दैट्स इट, खत्म आंसर। लेकिन अगर बीटा ग्रेटर देन अल्फा हुआ, अल्फा है मान लो 30 डिग्री, बीटा है मान लो 60 डिग्री,
अब देखो 60 डिग्री पे पेंडुलम आएगा, पक्की बात है दीवार को हिट करेगा ही करेगा, जगह मिलेगी नहीं दीवार को हिट करके, एनर्जी लॉस है नहीं, वापस चला जाएगा राइट। तो उसको जबरदस्ती इतना ही एंगल कवर करना पड़ेगा जितना उसको दिया गया है। तो इधर से तो बीटा कवर कर रहा है, पर इधर से वो बीटा कवर कर नहीं पाएगा, अल्फा कवर करेगा, कह रहा है अब टाइम पीरियड निकालो। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब प्रॉब्लम यह है कि यहां पर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक दीवार नहीं आई, तो यहां का टाइम पीरियड टी बाय फोर, और जब वापस आएगा तो भी टी बाय फोर, टी बाय फोर प्लस टी बाय फोर कितना, टी बाय टू। आधा क्वेश्चन तो ओरली सॉल्व हो गया टी बाय टू से। प्रॉब्लम है ये टी बाय फोर नहीं होगा क्योंकि दीवार आ गई बीच में, तो यहां से यहां जाने का टाइम मान लो छोटा टी है, यहां से वापस आने का भी छोटा टी है, तो टोटल जर्नी का टाइम पीरियड क्या हुआ, टी बाय फोर, छोटा टी, टी बाय फोर। तो टी बाय फोर प्लस टी बाय फोर टी बाय टू, और राइट वाला टी और टी टू टी राइट। यहां तक क्लियर है? तो कैपिटल टी तो पेंडुलम का पता ही होता है 2π√L/g, ये तो क्लियर हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, छोटा टी, यहां से यहां जाने का टाइम। यहां से यहां जाने के टाइम में क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो एंगल्स कवर हो रहे हैं वो पीरियोडिकली कवर होते हैं, क्योंकि ये पीरियोडिक मोशन है तो एंगल पीरियोडिकली चेंज हो रहे हैं, यानी कि कभी एंगल बढ़ रहा है, कभी जीरो, कभी बढ़ रहा है, कभी जीरो, चेंज हो रहा है। तो मैक्सिमम एंगल इसमें कितना हो सकता है, बीटा, बीटा का मतलब मैक्सिमम बीटा 60 डिग्री था, उसको बोलते हैं कि उसका एम्पलीट्यूड है, एंगुलर एम्पलीट्यूड है, एंगल का एम्पलीट्यूड है। अब एंगल क्योंकि चेंज हो रहे हैं, और हमने कितना टाइम निकालना है कि जब एंगल कितना हुआ अल्फा, तो जैसे वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, वैसे एंगल्स की फॉर्म में, एंगल्स की फॉर्म में इक्वेशन बनती है थीटा इज थीटा नॉट इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी, वेयर थीटा नॉट इज द मैक्सिमम एंगल कवर्ड और थीटा इज द इंस्टेंटेनियस एंगल कवर्ड। मतलब कि मेरे को एंगल निकालना है, मुझे टाइम निकालना है जब एंगल कितना कवर हुआ अल्फा, और मैक्सिमम एंगल कितना कवर हो सकता था बीटा। तो अल्फा एंगल कवर करने का टाइम निकाल लें, और एंगुलर जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, बीटा साइन ऑफ ओमेगा टी। यहां से सॉल्व करके साइन ओमेगा टी इज अल्फा बाई बीटा, ओमेगा टी इज साइन इनवर्स अल्फा बाई बीटा, स्मॉल टी की वैल्यू आ गई, ऊपर 2t में पुट कर देना, आंसर आएगा, मेडिकल में फिर से नहीं आएगा, ये 3-4 क्वेश्चन मेडिकल में नहीं आएंगे प्लीज, क्योंकि इस टाइप के ऑप्शन नॉन मेडिकल में कुछ भी, ये तो आसान क्वेश्चन ही है उनके लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं इन दो क्वेश्चन को बाद में करूंगा जाते हुए, थोड़े पहले लाइट क्वेश्चंस भी करवा दूं। जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो अपनी शीट का प्रिंट आउट बाहर से लेंगे, A85 लास्ट शीट करके SHM की असाइनमेंट है, A85 पीछे लिखा हुआ है लास्ट शीट, तो एक बार प्रिंट आउट लेंगे, और जो अभी घर पे देख रहे हैं वो प्लीज यहीं से एक बार रिवाइज कर लें। और आपके ऑब्जेक्टिव शीट्स की प्रॉब्लम्स हैं ये जो मैं करके लाया हूँ, और ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो लोग डाउट्स ही पूछ रहे थे, तो थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव शीट जो कल का टेस्ट है उसके लिए आप पढ़ेंगे, उसके लिए इजी हो जाएगा। और ये वैसे वैसे क्वेश्चन ही जो आज हम कर रहे थे नॉर्मल है, मतलब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आने।
क्वेश्चन नंबर वन, एक स्फेयर है और स्फेयर ब्रास का स्फेयर है, सस्पेंडेड टू अ वर्टिकल स्प्रिंग, स्प्रिंग के साथ एक स्फेयर लटका दिया और उसको एक नॉन विस्कस पानी के अंदर टाइप लिक्विड, नॉन विस्कस लिक्विड के अंदर जिसकी डेंसिटी 1/10 है उसमें मूव करवाना शुरू कर दिया। तो मैंने आपको क्लास में बताया था कि फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड स्प्रिंग मास सिस्टम का क्या होता है, 2π√m/k, इसमें डेंसिटी का कोई रोल नहीं है, तो टाइम पीरियड विल रिमेन सेम। क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक? तो स्प्रिंग मास सिस्टम को नॉन विस्कस लिक्विड में मूव करवा लो या एयर में करवा लो, आंसर विल रिमेन सेम, ना तो k चेंज होता है ना m चेंज होगा। पहला स्टेप क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी u का ये फॉर्मूला आज किया, SHM में प्रूव करो। क्या बताया था, कहां से शुरू करना है? F इज माइनस डी यू बाय डी एक्स, तो पुट किया, डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट करके ये टर्म आ जाएगी। ठीक, कैलकुलेशन घर में देखना। तो डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड टर्म, कॉस के डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ऑफ 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, तो फोर्स की ये वैल्यू आ जाएगी। एंगल SHM के छोटे होते हैं तो साइन ऑफ 2x कैन बी रिटन एज 2x, और फोर्स क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, वही आज वाला क्वेश्चन है सेम टू सेम। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इस क्वेश्चन में 1 गिवन है आपको, तो एक्सेलरेशन और x का रिलेशन आ गया, ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा आ गया, ओमेगा से टाइम पीरियड आ गया, ये क्वेश्चन सही है। लेवल में आपको थोड़ा डिफरेंस नजर आ रहा होगा, ये टिपिकल मेंस और नीट की शीट है, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेवल है। देखो क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल सही है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है ऐसे यार, मैंने नीट के अंदर भी देखे और मैंने मेंस में लिया, मेंस में है पर नीट में रिपीट हुआ हुआ है ये। 1 kg ब्लॉक इज इन SHM ऑफ एम्पलीट्यूड गिवन, 1 kg का ब्लॉक है SHM में मूव कर रहा है, k गिवन है, ब्लॉक ऑफ मास 3 kg, 3 kg का मास जेंटली प्लेस्ड एज इट पासिस मेन पोजिशन को अंडरलाइन कर लो प्लीज, क्योंकि मेन पोजिशन पर वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। तो मेन पोजीशन बट जेंटली प्लेस्ड, मैंने क्लास में करवाया था, ऐसे क्वेश्चन में क्या लगता है, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मेन पोजीशन पर m1 v1 और जैसी दूसरा ब्लॉक रखा m1 प्लस m2 इंटू v2, मेन पोजीशन पर मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी की जगह a ओमेगा और यहां पर a ओमेगा, तो यहां पर एम्पलीट्यूड a1 है, यहां एम्पलीट्यूड a2 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड a1 तो गिवन है, a2 निकालना है, और ओमेगा भी चेंज हो जाएगा। ओमेगा क्या होता है, अंडर रूट ऑफ k/m, पहले केस में एक ही मास था तो m1, दूसरे केस में अंडर रूट ऑफ k/m1+m2, ऐसा क्वेश्चन शायद पहले भी हमने सॉल्व किया हुआ है, सेम टू सेम क्या हुआ है ना, यही था क्या, ऐसा ही था। तो आपको मास गिवन है, k गिवन है, a2 आ जाएगा, राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो बार बार आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। क्लियर यहां तक? नेक्स्ट है द पार्टिकल इज इन SHM, SHM with same amplitude a, दो पार्टिकल SHM में और दोनों का amplitude a है, एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, 1 इज एट a/2 एंड अदर इज एट x इक्वल टू -a/2, दोनों की पोजीशन में अंतर है। मैं अगर मीन पे हूं, a/2 का मतलब यहां होना, -a/2 का मतलब इस तरफ होना, कोऑर्डिनेट्स में फर्क है, पोजीशन में फर्क है, तो बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, मतलब अगर ये इधर जा रहा है तो ये भी इधर आ रहा है, दो पेंडुलम्स हैं, मतलब ये मीन है, एक a by 2 पे है, एक minus a by 2 पे है, ऐसे, they are moving in same direction, phase difference उनके बीच में pi by 3 है, mathematical करोगे बहुत लंबा है, इसको graph compare करो circle के साथ, एक circle बनाओ, मान लो एक pendulum कितनी position पर है, at x equal to a by 2, ये x equal to a by 2 है, और ये amplitude a है, और जो दूसरा पार्टिकल है वो कहां पर है, x equal to minus a by 2, amplitude इसका भी है, एरो बना लो इस तरफ ऐसे ऐसे, they are moving in same direction, इसका मतलब they are moving in same direction, एरो बना लो इस तरीके से, ठीक। तो बताओ ये एंगल कितना है, यहां जो मैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, cos theta is equal to this by this, तो a by 2 by a half हो जाएगा, तो ये pi by 3, तो ये भी pi by 3, तो इनके बीच में एंगल का क्या, कितना एंगल आ रहा है, pi में से क्या माइनस करें, 2 pi by 3, राइट, पाई में से दिस माइनस दिस, तो आंसर क्या आएगा, पाई बाय 3, समझ आ रहा है यहां तक, ये एंगल आ गया, ये एंगल आ गया। उसने पूछा इन दोनों पार्टिकल में फेज का डिफरेंस कितना है, इनके बीच में एंगल का डिफरेंस कितना है, तो बीच का एंगल कितना आएगा, पाई
में से इन दोनों को माइनस कर दो, राइट? और क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है तो ये डिफरेंस विल ऑलवेज रिमेन, ये चेंज नहीं होगा, ये डिफरेंस फाई का फाई रहेगा। और क्वेश्चन में यही निकालने को कहा गया, फाइंड फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस दोनों के बीच में क्या रहेगा, पाई बाय 3। मतलब कुछ नहीं किया आपने, पोजीशन प्लॉट कर ली यहां पर a बाय 2 माइनस a बाय 2, राइट? आपने, आपको ये पता है a एंड a, राइट? आपने ट्राइंगल बना के एंगल निकाल लिया, निकाल लिया। उसने पूछा इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, तो पाई में से इन दोनों को माइनस कर दिया, ठीक है? यहां तक तो आंसर आ गया। सीधा करते तो बहुत लंबा है, पहला क्वेश्चन है जो सर्कुलर मोशन से आसान हुआ है, ठीक? इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। उसने कहा कि एक मास गिवन है, पार्टिकल ना लोएस्ट पोजीशन ऑफ पैराबोला पे है, आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। तो वाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू के बीच में रिलेशन गिवन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 40y, और वो कह रहा है कि इसमें पैराबोला के बीच में मूव करेगा, प्रूव करो SHM में है। तो इमेजिन करो ये तो पेंडुलम की तरह है, ये मीन पोजीशन है, एक्सट्रीम मीन, एक्सट्रीम मीन। आपको ये एक फिर से खास किस्म का तरीका है SHM में प्रूव करने का। इसके अंदर एक्स स्क्वायर गिवन है वाई की टर्म में, ई टोटल एनर्जी है, हर वक्त इसके पास दो एनर्जीज रहेंगी, या तो पोटेंशियल MgY और या काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर। y को x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, यहां से एक्स स्क्वायर बाय 40 पुट कर लिया कि टोटल एनर्जी आ गई। टोटल एनर्जी की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, तो हम एनर्जी को क्या करेंगे, एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट, एनर्जी की जगह पूरी वैल्यूज को पुट किया, डिफ्रेंशिएट और इक्वल टू जीरो, क्योंकि टोटल एनर्जी इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट। तो Mg बाय 40 कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन 2x है, और dx बाय dt क्या देगा आपको, वेलोसिटी v। यहां से v स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन 2v और इनटू dv बाय dt इज, तो यहां से आपके पास इसको v पुट करो, v से v कॉमन निकाल के 0 से कैंसिल करो, तो ma को राइट साइड पे लेके आओ, माइनस ma, m से m कैंसिल, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। SHM की इक्वेशन लिखो और इसे कंपेयर करो। तो कोई कहेगा सर रिस्टोरिंग फोर्स से कर सकते हैं, कर सकते हैं, माइनस एम जी साइन थीटा लगाना पड़ेगा, पर पैराबोला में टेंजेंट टूंजेंट ड्रॉ करके आपको टैन थीटा निकालना पड़ेगा उसमें, या साइन थीटा, लंबा एनर्जी, ठीक है यार कौन एंगल निकालेगा उसके। ये तीसरा क्वेश्चन है जिसमें एनर्जी से SHM प्रूव हुआ, और ये ऐसा नहीं है कि पता नहीं ऐसे और कितने क्वेश्चन छुपे हुए हैं, 2-3 क्वेश्चन ही हैं जो एनर्जी से प्रूव होते हैं, ठीक है यहाँ तक। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन बहुत आते हैं यार, एक पार्टिकल है जिसका मास गिवन है अंडर अ फोर्स ऑफ -10x, फोर्स गिवन है, स्पीड एट मीन पोजीशन गिवन है, मीन पोजीशन पर स्पीड मैक्सिमम होती है, हमेशा याद रखना, ठीक है? एम्पलीट्यूड बताओ, फोर्स किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास मुझे गिवन है, एक्सेलरेशन आ गई, एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन में SHM आ गया, कंपेयर करके ओमेगा की वैल्यू आ गई, और मुझे पता है कि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ए ओमेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी 6 गिवन है, ओमेगा मैंने निकाल लिया, यहां से क्या जाएगा, एम्पलीट्यूड आ जाएगा। क्लियर यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, देखो ये एक टिपिकल मेंस और नीट लग रहा है, हाँ नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं सारे, वो थोड़े से मुझे लग रहा है कि वो हाँ थोड़ा सा लेवल ज्यादा, वो मुझे याद आ गया यार, वो बनी ही एडवांस से हुई है, वो है ही नहीं नॉर्मल क्वेश्चंस में, ठीक, वो सारे एक जैसे, देखो ना एक पूरी कैटेगरी चल रही है पूरी की पूरी, वो क्वेश्चन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक शीट ही किसी और उस पर एंड में होनी चाहिए थी एक्चुअल में, कोई बात नहीं, एक ही बात है, अब तो वो कर ही लिया। ये देखो मैंने 2019 का जैसे क्वेश्चन लिख के लाया हूँ, ये कर लिया मैंने, पोटेंशियल काइनेटिक के इक्वल है तो बताओ वाई क्या होगा, ये क्वेश्चन देखे तो मजा आ जाते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट, दो SHM की गिवन है, एक ये और एक ये, फाइंड ओमेगा व्हेन टोटल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल इज सेम। अब इसका ओमेगा तो मुझे नजर आ रहा है, कंपेयर करो ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा इसका कितना है 10, इसका अननोन है, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बोलो क्या होता है SHM में, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो पहले केस में एम्पलीट्यूड A1 है, दूसरे में A2 है, पहले केस में ओमेगा ओमेगा है, दूसरे में ओमेगा 2 है, पहले केस में ओमेगा कितना गिवन है 10, एम्पलीट्यूड कितना है 4, चेक कर लो इक्वेशन के आगे 4 साइन होगा, और दूसरे में एम्पलीट्यूड चेक करो कितना है 5, इक्वेशन से चेक करो ऊपर, देखो ना ये रहा, देखो इसका एम्पलीट्यूड कितना है 5, इसका कितना है
फोर, ये ए वन है और ये ए टू है। ए वन की जगह ए टू की जगह हाफ एन तो कैंसिल ही हो गया। एक ओमेगा के वन है कितना, टेन, ये रहा टेन, ओमेगा टी से टेन, और ये वाला ओमेगा मुझे निकालना है। निकाल लोगे आंसर यहां तक। नेक्स्ट है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ प्लैंक, एक प्लैंक है और वो वर्टिकली ऊपर नीचे नीचे ऊपर मूव कर रहा है, ठीक किया था ऐसा क्वेश्चन, वो कॉन्टैक्ट छोड़ देता है ब्लॉक ऐसे वाला सेम क्वेश्चन है। फर्क ये है कि उस प्लैंक की इक्वेशन मूव करने की ये गिवन है, साइन और कॉस दोनों में गिवन है, हमें आदत है या साइन में काम करने की या कॉस में। तो पहला काम क्या होगा, दोनों को या तो साइन में कन्वर्ट करो या कॉस में। मेडिकल के लोग देखेंगे, नॉन मेडिकल वाले ट्रिग्नोमेट्री लगा के कन्वर्ट कर भी देंगे, रूट टू से डिवाइड जो भी आप करते हो कर लेना मेडिकल के लोग। जो नई इक्वेशन बनेगी, जो नई इक्वेशन बनेगी उसका फॉर्मूला बनेगा ए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक। तो याद रखना अगर एक इक्वेशन मतलब दोनों ओमेगा टी में चल रही हैं पर जब साइन और कॉस हट के अकेला साइन आता है तो यहाँ पर ना फाइव ही ऐड करना होता है, तो ये नई इक्वेशन बनती है, याद रखना है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमें पता है अंडर रूट ऑफ वन का स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर, वो आपको निकालना आता है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकल गया कितना आ गया, टू आ गया। तो आपको ए की वैल्यू क्या पता लग गई, टू, टू पुट कर लिया। अब आपको क्या निकालना है, फाइव। फाइव में आपने याद रखना है मेडिकल वालों ने कि कोफिशियंट ऑफ कॉस डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ साइन, कोफिशियंट ऑफ कॉस कितना है रूट थ्री, कोफिशियंट ऑफ साइन कितना है वन, रूट थ्री बाई वन, रूट रूट थ्री टेन फाइव, रूट थ्री कब होता है फाइव पाई बाई थ्री। मैथ्स वालों को समझ में आ रहा है मैं क्या बना रहा हूं, वो ट्रिग्नोमेट्री लगा के कैसे वो एंगल्स निकलते हैं, नहीं समझ में आ रहा, आ रहा है कुछ कुछ कि कोफिशियंट क्यों लिया, साइन है कॉस बी, कॉस है साइन बी, तो सी प्लस उस ए प्लस बी जो भी फॉर्मूला बनाते हो वैसा फॉर्मूला बनेगा। बट करने की जरूरत क्या है, आप भी यही करो ना यार, कौन मैथ्स का फंडा लगाएगा उसमें, ये सबसे बेस्ट है। तो आपने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपको निकालना सिखाया हुआ है, बस फर्क क्या है कि नई इक्वेशन साइन में बनाएं और उसमें फाई निकालने का तरीका कॉस और साइन के कोफिशिएंट को डिवाइड कर दें, सीधा एक मिनट में आंसर आएगा एकदम, कोई मैथ ही नहीं चाहिए, बात ही खत्म हो गई। अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ये प्लैंक मूव कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, एम्पलीट्यूड प्लैंक का बोलो कितना है, टू। क्वेश्चन है कि ओमेगा बताओ, ओमेगा बताओ कम से कम मिनिमम फॉर विच मास जस्ट ब्रेक्स ऑफ द प्लैंक, कि ये जो मास इसके ऊपर पड़ा हुआ था ऊपर नीचे मूव कर रहा था ये अपना कॉन्टैक्ट छोड़ दे, तो जब ये यहां पर है और एक्सट्रीम से नीचे आने की कोशिश करेगा, हमने क्लास में किया था, तो ये अपना कॉन्टैक्ट छोड़ सकता है क्योंकि प्लैंक एकदम नीचे आएगा तो कॉन्टैक्ट लूज हो सकता है। तो यहां पर नॉर्मल रिएक्शन एन है और वेट एम जी है, जैसी प्लैंक एक्सट्रीम पे होगा नीचे आने की एक्सेलेरेशन मैक्सिमम होगी और सूडो फोर्स क्या लगेगी, एम इन टू ए ओमेगा स्क्वायर ऊपर की तरफ, सेम क्वेश्चन जो पहले किया था। तो यहां पर दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस और कॉन्टैक्ट लूज करने का मतलब नॉर्मल रिएक्शन इज जीरो, तो एम से एम कैंसिल हो गया, यहां से ओमेगा निकाल लो, जी और ए एम्पलीट्यूड टू गिवन है तो यहां से ओमेगा आ गया, तो आपके पास ओमेगा आ गया, एक आंसर आ गया। उसने कहा यहां से यहां आने में, ठीक जब यहां से यहां आया तो आपको यह भी बताना है कितना टाइम लगा, मतलब जब इसने अपना कॉन्टैक्ट छोड़ा तो कितना टाइम लगा। तो मेरे को यह समझ में आता है कि मेरी जो इक्वेशन है वो ये चल रही है, इधर इधर देख लो डाउट है, डाउट है ये वाला पार्ट, ये शॉर्टकट लगाया सीधा मैंने कि रिजल्ट ये इक्वेशन बनेगी, ए की वैल्यू निकल गई और फाई निकालने का तरीका बता रहा हूं, कोफिशियंट ऑफ कॉस बाय कोफिशियंट ऑफ साइन। ये कैसे पूछ रहे हो, ये कैसे, चलो पूछ ही लिया तो अब यार कोई बात नहीं, देख लेते हैं। y इज इक्वल टू वन साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस रूट थ्री कॉस ऑफ ओमेगा टी। मान लो एक मिनट के लिए आपने वन को पुट कर लिया a इंटू कॉस ऑफ फाइव, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस रूट को पुट किया a साइन फाइव कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो y इज इक्वल टू a कॉमन, फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव बन गया। तो आपने क्या पुट किया, वन को क्या पुट किया ए कॉस फाइव, आपने रूट थ्री को क्या पुट किया ए साइन फाइव। जब आपने इसको स्क्वेयरिंग एडिंग किया तो ए चेक कर लो टू आ रहा है,
और जब आपने इन्हें डिवाइड किया 2 डिवाइडेड बाय 1 तो क्या आया, रूट 3 बाय 1 इज इक्वल टू 10 phi। इस पूरे कैलकुलेशन को मेडिकल वाले नहीं देखेंगे, कुछ नहीं करना आपको, ये मैथ वालों का है। तो पूरी कैलकुलेशन को शॉर्ट करते हुए मैंने एक फॉर्मूला करवा दिया, मेडिकल वाले फॉर्मूले से काम करेंगे सीधा। बट मैथ्स वालों को कुछ याद आ रहा है, ऐसा कुछ करते हैं ना, याद आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है ना। शॉर्टकट ज़्यादा सही है, ठीक है। हाँ, मैं बात कर रहा था कि ऐसा पहली बार कब होगा कि जब कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा, ऐसा तब होगा जब प्लैंक अपनी मीन से कहां पर चला जाएगा, एट एक्सट्रीम पोजीशन। मीन से एक्सट्रीम पे जाने का मतलब सर्कल में कितना एंगल कवर करना, बोलो 90। मीन से एक्सट्रीम का मतलब 90 90 90 90 90 90 का मतलब पाई बाई टू, यानी कि ये जो अंदर का एंगल है जब पाई बाई टू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा। तो पूरे के पूरे एंगल को उठा के क्या पुट किया, पाई बाई टू, राइट। तो ये पूरे के पूरे एंगल को पाई बाई टू पुट किया तो प्लैंक अपनी एक्सट्रीम पे आ गया, ओमेगा टी माइनस करके पाई बाई सिक्स, ओमेगा का मतलब 2 pi बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी इज पाई बाई सिक्स, और कैपिटल टी स्मॉल टी की वैल्यू टी बाई ट्वेल्व आ गई। कैपिटल टी क्या होता है, 2 pi बाई ओमेगा, ओमेगा हमने ऊपर से निकाला हुआ है, पुट कर लो आंसर। तो ये भी एक नई टेक्निक है कि पूरा एंगल उठा के पाई बाई टू पुट कर दोगे तो सीधा आंसर आ जाएगा। और भी मैथ्स के कई तरीके हैं, घर बैठे और भी तरीके समझ में आएंगे, पर ये सबसे क्लियर है। तो एक आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसी प्रॉब्लम्स करनी है, मतलब रिवाइज थोड़ा घर जाके समझ में ज़्यादा आएगा। और बस ये एक दो क्वेश्चंस और हैं, इसको ख़त्म करते हैं। अ सिलेंडर, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मेन नीट में दिखेगा अ सिलेंडर, साइलेंडर नहीं बोला, सिलेंडर बोला है। तो अ थिन रॉड को बोलते हैं, कहीं पता लगे क्वेश्चन छोड़ा हो, थिन रॉड, ये सबसे यार अब जैसा भी है लिख दिया मैंने, याद रहेगा। थिन रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l इज पिविटेड एट वन एंड, लटका दिया इसको, लटका के मूव करवाया, कौन सा पेंडुलम बोलो, लिखा हुआ है फिजिकल पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम याद है, और फिजिकल पेंडुलम क्लास में किया था फॉर्मूला आई बाई एम जी डी, कोई नहीं कल पेपर है ना तो दिख जाएगा, फिजिकल पेंडुलम का प्रूफ भी करवाया और ये फॉर्मूला भी था आई फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। भूल रिटेन करना इंपॉर्टेंट, मैंने बोला था आपको, ठीक, रिटेन करना है सबसे इंपॉर्टेंट काम है। तो इसमें मोमेंट, क्योंकि यहां पर हमने कील से टांग दिया तो ये एक्सिस है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर क्या था, एम एल स्क्वायर बाई थ्री, और डी का मतलब होता है यहां और सेंटर ऑफ मास के बीच में क्या दूरी है, जो कि कितनी है, एल बाई टू। तो आप डी की जगह एल बाई टू, आई की जगह एम एल स्क्वायर बाई थ्री आंसर। फिजिकल पेंडुलम का एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड आपको ये याद हो कि कैसे लगाना है। और दूसरा, अब क्वेश्चन चेंज कर दिया, क्वेश्चन में ये कह दिया कि मैंने इसको पिवेट कॉर्नर किया ही नहीं, यहां से नेल नहीं लगाई, यहां से पिवेट किया है, अब बताओ आंसर क्या होगा। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन कॉर्नर ही होगा, ये होगा, तो इसका और इसका सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी है, एक्स। तो फॉर्मूले में आई की जगह क्या पुट करें, सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एक्स स्क्वायर बाय थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, राइट, एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम एक्स स्क्वायर, और डी की जगह तो एक्स पुट करना ही करना है आंसर। तो एक्सिस चेंज कर दिया, अगर एक्सिस ये था तो टेंजेंट है, एम एल स्क्वायर बाय 12 प्लस एम इन 12 बाय 2 का तो सीधा फॉर्मूला ही पता है हमें टेंजेंट का, तो एम एल स्क्वायर बाय 3, पर इसका हमें निकालना पड़ेगा थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। डिफरेंस समझ में आया क्या क्या फिजिकल पेंडुलम में। आखिरी पार्ट सिर्फ नॉन मेडिकल के लिए कि एक्स बताओ, एक्स बताओ, जब ये टाइम मिनिमम आएगा, किसी भी चीज को मिनिमम करने के लिए उसको डिफरेंशिएट इक्वल टू 0, मैक्सिमम मिनिमम याद है, टाइम पीरियड मुझे पता है। अगर आप चाहते हो कि टी की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो टी की बजाय ना टी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू निकाल दो, बात एक ही है, हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया था, एक ही बात होती है। टी स्क्वायर यहां से स्क्वेयरिंग करोगे तो टी स्क्वायर आ गया, ये टी स्क्वायर आ गया, तो इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू 0, तो टी स्क्वायर की पूरी वैल्यू मैंने यहां पुट की, जी कट गया 0 से, नहीं चाहिए, कांस्टेंट है, तो ये यू बाय वी का फॉर्मूला लगाया मैंने, सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यू एल बाय रूट 12 वाई, तो कैलकुलस के स्टेप्स हैं यू बाय वी के।
तो नॉन मेडिकल में ही आ सकता है मैक्सिमम मिनिमम, मेडिकल में नहीं आएगा ये बिल्कुल भी, पर पहले दो स्टेप मेडिकल में आ सकते हैं। राइट, क्लियर है यहाँ तक? और आखिरी क्वेश्चन इसका, एक बॉडी है ये, मैंने इसको, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास का आई नॉट है, सेंटर ऑफ मास का, मैंने सबसे पहले इसको पिवट किया पी वन पे, तो मेरा टाइम पीरियड आया टी और पी वन का डिस्टेंस है एच वन, फिर मैंने इसको पिवट किया पी टू पे, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितना एच टू, तो टाइम पीरियड फिर से कितना आया टी, तो आपको एच वन प्लस एच टू की वैल्यू निकालनी है क्या होगी इसमें। ये क्वेश्चन फिर से फिजिकल पेंडुलम का है, समझ में आ रहा है, क्योंकि सिंपल पेंडुलम की जगह अगर कोई बॉडी को मूव करवाया जाए इसको फिजिकल पेंडुलम बोलते हैं। तो फॉर्मूला समझ में आ रहा है कौन सा लगना है? केस नंबर वन में अगर P1 एक्सिस है तो सेंटर ऑफ मास का मोमेंट इनर्शिया आई नॉट है, आई नॉट प्लस एम एच वन स्क्वायर, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, और इसमें D की जगह H1 है, इक्वेशन नंबर वन। फिर अगर P2 पे पिवट करेंगे तो P2 पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, आई नॉट प्लस एम इंटू एच टू का स्क्वायर। ये रहा दो फॉर्मूले बना लिए फिजिकल पेंडुलम के, एक बार P1 मान के एक बार P2 मान के, यहां तो क्लियर है, कह रहे टाइम पीरियड दोनों में सेम है, उठा के दोनों को इक्वेट कर दिया, स्क्वेयरिंग किया या अंडर रूट कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये टर्म आ गई, इसको ओपन किया, ओपन करके कॉमन निकाला आई नॉट, और ये टर्म तो ये कैंसिल हो गया, तो यहां से किसकी वैल्यू आ गई, आई नॉट की वैल्यू आ गई, आई नॉट आ गया। फिर टाइम पीरियड का कोई भी फॉर्मूला उठा लो, वन या टू एक ही बात है, मैंने ऊपर वाला फॉर्मूला उठाया उसमें आई नॉट की जगह ये वैल्यू पुट की, यहां से कॉमन आया, कैंसल हुआ, एच वन प्लस एच टू निकालना है, जी मुझे पता है आंसर, क्योंकि टाइम पीरियड क्वेश्चन में टू सेकेंड गिवन है आंसर। इतना बड़ा क्वेश्चन ना मेन्स में ना नीट में, क्योंकि ये तो आया हुआ है एडवांस में, लग ही रहा है, बट हो सकता है वो आपको एक सिलेंडर दे के बस एक ही पेज सॉल्व करवा दे, तो आपको इस पूरी शीट से कैलकुलेशन वाइज धरने की जरूरत नहीं है, ये आपको कुछ नहीं आएगा, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इस टाइप की प्रॉब्लम है, बस ये लगना है, लगेगा सिर्फ वन लाइनर ही देखना, तो जितनी नॉलेज इकट्ठी करोगे उतना ही आपको फायदा होगा, इरिस्पेक्टिव कि वो कहां से आ रहा है। ठीक है यहां तक? तो ये ना सोचें कि तो एडवांस क्या है, मेरे मतलब का नहीं है, मैं बता रहा हूं किस्मत अगर तक कुछ नहीं पता, उठा गए क्वेश्चन सीधा ब्रेक करके, बहुत बार देखे हमने, बहुत बार। तो ये शीट्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको एज इट इज रिवाइज करो, इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, मेरे को भी मालूम है, बट ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आपकी नॉलेज एक अच्छी नॉलेज होगी, आप कॉन्फिडेंस से ट्राई करोगे पेपर को। ठीक, सफिशिएंट है आज के लिए, वो दो क्वेश्चन जो रह गए मैं व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ यार, वो उस पर 10 मिनट 15 मिनट और हिम्मत नहीं।